विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल महानगर मुरादाबाद द्वारा टाउन हॉल प्रखंड के प्रेम चुनरिया के प्रांगण में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया एवं भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर शिवलिंग पिंडी पर रुद्राभिषेक किया। इस अवसर पर मेरठ प्रांत मंत्री राजकमल गुप्ता, प्रांत सह संयोजक बजरंग दल गौरव भटनागर, प्रांत सेवा प्रमुख नीरज सिंगल, विभाग सेवा प्रमुख राजकुमार गुप्ता, विभाग मंत्री भावनीश सहगर, महानगर अध्यक्ष प्रभात गोयल, महानगर कोषाध्यक्ष योगेश त्यागी, महानगर मंत्री वरुण, महानगर उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष अवनीश गुप्ता, महानगर सह मंत्री अनिल कठेरिया एवं टाउन हॉल प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नवदीप कुमार सिंह आदि विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज 14 अगस्त का दिन है जिसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अखंड भारत के रूप में मनाता है, और ये एक ऐसा दिन सावन का, आज 14 अगस्त का दिन और अखंड भारत दिवस, 14 अगस्त 1947 को भारत अखंड था और भगवान शंकर भोले बाबा का आज ऐसा हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी मान्यता है कि जो हम मांगते हैं ईश्वर से वो हमें मिलता है। आज के रुद्राभिषेक जो महानगर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित हुआ है, मैं तो भगवान भोले बाबा से एक कामना करता हूँ, भारत पुनः अखंड हो और विश्व के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इनकी क्या क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि रुद्राभिषेक जो होता है, भगवान शंकर का अभिषेक होता है सावन के मास, सावन के महीने में इसका पुण्य होता है, और जो हम अपेक्षा भगवान शंकर से करते हैं, हम ये करते हैं भगवान भारत अखंड हो, भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व के अंदर महाशक्ति बने और पूरा विश्व सनातन बने। क्योंकि जब ये राम राज्य जो था ना, ये इसलिए नहीं था कि अयोध्या के भगवान राम राजा थे, वो राजा थे पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के। 1400 साल पहले इस्लाम नाम की कोई चीज़ इस धरती पर नहीं थी, 2021 से पहले बिफोर क्राइस्ट ईसाई नाम की कोई चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं थी। उससे पहले क्या था, हिंदुओं की विक्रमी संवत 2078 जो हमारा राजा विक्रमादित्य हुआ था, सबसे हमारी विक्रमी शुरू हुई है, लगाइए। तो ये क्या है, पहले सब सनातन था, और हम भगवान शंकर से ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सनातन फिर स्थापित हो, विश्व में स्थापित हो और भारत एक महाशक्ति बन के उभरे, ऐसी हमारी भोले बाबा से प्रार्थना है। जी आज मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए आपका।